का टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, इसको सी या जेड से डिनोट करते हैं। तो सी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो उसमें एक्स और वाई क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो उसका रियल पार्ट क्या होता है, इमेजनरी पार्ट क्या होता है, ये हमने डिस्कस करा था। तो जो फ्री ऑफ आयोटा होता है, मतलब जिसमें आयोटा नहीं होता है, दैट इज रियल रियल पार्ट। और आयोटा का जो आपका कॉफिशियंट गुणांक होता है वो क्या होता है, इमेजनरी पार्ट। आयोटा का गुणांक, आयोटा इंक्लूडेड नहीं होता है। और हमने जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। उसके बाद हमने ये डिस्कस करा था कि भाई हर एक रियल नंबर होता है उसको लिख सकते हैं, भाई प्लस जीरो आयोटा तो सब में लिख सकते हैं ना, तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं, फिर रियल नंबर के सबसेट रैशनल और इरैशनल दोनों होते हैं। चलो रैशनल ले लिया, रैशनल के अंदर फिर क्या आ गए, इंटीजर्स आ गए, इंटीजर के आगे आ गए होल नंबर, होल नंबर के आगे क्या आ गए, नेचुरल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे, अब देखो फिर आगे अपन ने पढ़ा था मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है आपका अंडर रूट एक्स, जैसे जेड है ना, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉड्यूलस जेड होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और अपन ने बेसिक पढ़ा था, वही क्वेश्चन भी लिया था जिसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, तो उसमें अपन ने एक्स और वाई दोनों का रियल नंबर होना बहुत जरूरी था, जिसमें साइन इनवर्स टू है। तो अब देखो साइन इनवर्स टू को अपन ने यदि किसी वैल्यू एक्स के इक्वल कर दिया, तो अब आपने साइन इधर चेंज हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू टू, तो साइन कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जहां पे साइन क्या दे दे, टू वैल्यू दे दे। तो इसीलिए साइन इनवर्स के अंदर कभी भी क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। तो आपको पता है ना साइन साइन इनवर्स के, तो यहाँ वन और वन के, माइनस वन के बीच की वैल्यू है तभी एग्जिस्ट करेगा। फिर अपन ने कॉसेक और वापस सेक के बारे में पढ़ा था, इनकी जो वैल्यू होती है वो वन से बड़ी और माइनस वन से छोटी होती है। टेन का अपन ने पढ़ा था भाई कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक वैल्यू मिल जाती है क्योंकि इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है इसका रेंज सेट। अब बात करते हैं आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्वांटम, जिसको आपके इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। तो चलो सबसे पहले आप फिर पढ़ेंगे कॉन्जुगेट, संयुग्मी कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं संयुग्मी संख्या, संयुग्मी संख्या का क्वांटम। नाम से ही पता चल रहा है क्वांटम का मतलब एंगल की बात करेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिनोट करते हैं। जैसे होता क्या है, देखो सबसे पहले अपन को, अब देखो एम्पलीट्यूड आपका क्या होता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं थीटा, ये एंगल की बात करते हैं। थीटा इक्वल टू होता है, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, सबसे पहले जेड इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स प्लस आयोटा वाई, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और आपको क्या पूछ लिया इसका कि एम्पलीट्यूड निकालो। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे होता है, इसको लिखते हैं ए एम पी ऑफ जेड, और या फिर क्या बोल दिया, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं ए आर जी शॉर्ट फॉर्म जेड का, ये होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। वाई क्या होता है, आयोटा का जो कॉफिशियंट हो गया, दैट इज इमेजनरी पार्ट जेड का और दैट इज रियल पार्ट जेड का, ये एंगल होता है। अब देखो इसको थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपका थीटा, थीटा। तो भाई इसको अपन ने, चलो फॉर्मूला तो याद रख लिया, थोड़ा आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आना चाहिए। आगे आज की क्लास में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म भी बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चरघातांक की और कोणीय रूप भी बताऊंगा। और वैसे मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है, अभी बताते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या थीटा आएगा। यदि आपको मैंने बता रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर हो जेड प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे ये समझ लिया आपने कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आपकी एक्स हो गई, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया वाई हो गया, और ये आपको क्या पता है मॉड्यूलस जेड है जो क्या आपका आर होता है, यहाँ का जो एंगल होता है। अब आपने क्लास टेंथ में पढ़ रखा है जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, लाल बटा कक्का, एल ए एल बटा कक्का, मतलब लंब बटा आधा, इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो यहाँ थीटा ये लिया है तो परपेंडिकुलर मतलब आपकी ये डिस्टेंस है दैट इज वाई, ये आपका वाई हो गया और ये आपका क्या हो गया बेस एक्स हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ना एक्स कोऑर्डिनेट इसका, ये पी पॉइंट समझ लिया, तो ये वाई अपॉन एक्स हो गया, तो थीटा आपका हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स।
समझ रहे हो ना, तो यहाँ इस एंगल की वैल्यू है। अब जरूरी नहीं है पी यहाँ हो, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, सारा हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक आपका छोटा सा क्वेश्चन लेके थोड़ा सा तो क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे यदि आपने दे दिया जेड इक्वल्स टू यहाँ वन रूट थ्री प्लस आयोटा वन, देखो क्वांटम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव सारे टाइप के आते हैं, पर इनिशियली मैं आपको बस थोड़ा सा मीनिंग समझाऊंगा, फिर आगे वो क्वेश्चन लेंगे। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इस जेड का एम्पलीट्यूड निकालना है, और या फिर क्या बोल दिया आर्ग्यूमेंट निकालो जेड का, या हिंदी में बोल दिया कोणांक निकालो, ठीक है। ये अपन को सारी चीजें फाइंड एक ही बात है। तो यहाँ पे थीटा क्या होता है, दैट इज टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई होता है एल्टा का कोफिशियंट टी, दैट इज योर वाई, दैट इज योर एक्स, अपॉन क्या हो गया रूट थ्री हो गया। अब यहां से मुझे बताओ tan है वो 1 बाय रूट थ्री कहां देता है, भले इसको इधर इनवर्स ले जाओ तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय रूट थ्री, और आपको पता है when theta equals to 30 डिग्री होता है, तो यहां से आपका थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और आपका जो थीटा होता है वही क्या होता है कोणांक होता है, दैट्स योर आंसर। इज दैट क्लियर, एकदम इजी है। अब बात करते हैं जो संयुग्मी कॉम्प्लेक्स नंबर है, संयुग्मी संख्या है उसका जेड बार होता है जिसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, संयुग्मी आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर को सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, संयुग्मी तो कॉन्जुगेट होता है थोड़ा, ये सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, हिंदी में थोड़ा हार्ड टाइट है। अब देखो वापस बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहां होगा सम्मिश्र संख्या का, संख्या का संयुग्मी। हमेशा जब भी आपको कॉन्जुगेट निकालना हो, संयुग्मी निकालना हो, बस यही ध्यान रखना जहां जेड है वहां क्या पुट करना है जेड बार, जैसे इफ सॉरी जहां जेड है जेड बार तो डिनोट करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहां पे कॉन्जुगेट ऑफ जेड मतलब जेड का संयुग्मी है उसको डिनोट करते हैं जेड बार से, और कुछ नहीं जहां आयोटा है वहां क्या करना है माइनस आयोटा करना है, ये बस ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन से ले लेते हैं, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, निम्न सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी निकालो, तो पहला आपने ले लिया 3 प्लस आयोटा 2 ले लिया, ठीक, सेकंड आपने ले लिया 5 आयोटा, थर्ड आपने ले लिया ओनली 3, तो देखो जहां आयोटा हो आपको क्या पता है कि माइनस आयोटा पुट करना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, आयोटा की जगह क्या लिखा माइनस आयोटा, 5 आयोटा इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस 5 आयोटा, तो अब इसमें आयोटा है ही नहीं तो इसको लिख दो भाई जी प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, ये कोई रियल नंबर है, अब यहाँ 0 आयोटा है ना तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखो क्या फर्क पड़ेगा, आएगा तो 3, तो जिसमें आयोटा है नहीं इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें ही कर देते हैं एक बार, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर संयुग्मी संख्या का नेगेटिव, ठीक है, मतलब नकारात्मक। अब देखो जेड आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो आपका नेगेटिव क्या हो जाएगा जेड का, कुछ नहीं होगा जेड बार की जगह इसको क्या माइनस जेड से डिनोट करते हैं, ये बस जो आपका ये है ना इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, माइनस एक्स माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फाइंड द क्वेश्चन सेम ही ले लेते हैं, फाइंड द नेगेटिव ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ भी माइनस हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसका ये सेम ही रहेगा, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा बस ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली तो यहाँ माइनस नहीं हो जाएगा।
अब अपन आगे बढ़ते हैं। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, और वापस मल्टीप्लाई करते हैं उसका फॉर्मूला बनाएंगे, डिवीजन का फॉर्मूला बनाएंगे। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या का बीजीय रूप। अब देखो, यदि आपने पहला ले लिया एडिशन, ठीक है, यदि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, यहां स्टैंडर्ड ले लेते हैं हम सीधा ही, दो कॉम्प्लेक्स नंबर माना Z1, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया X1 आयोटा Y1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया आपने Z2, जो क्या हो गया X2 प्लस आयोटा Y2। तो अपन इसके अलग अलग ले लेते हैं, पहला क्या निकालेंगे, इनका सम। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा। जैसे X1 आपका ये देखो, तो इसको कैसे लिखेंगे, X1 प्लस X2, ठीक है, रियल पार्ट ऐड हो गया, फिर देखो इमेजनरी पार्ट में आयोटा कॉमन ले लो और इमेजनरी पार्ट को ऐड कर दो, Y1 प्लस Y2। ये क्या, ये एडिशन है, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ऐड करना है, रियल पार्ट रियल से ऐड हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से ऐड हो जाएगा, आयोटा आपको छेड़ना ही नहीं है। दूसरा, इसका सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, Z1 माइनस Z2 है, रियल पार्ट से रियल पार्ट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा आयोटा, इमेजनरी पार्ट से क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। थर्ड, यहां से काम की चीज स्टार्ट होती है, यहाँ पे Z1.Z2 है, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, X1 पहला वाला लिख दो, X1 प्लस आयोटा Y1, और दूसरा हो गया X2 प्लस आयोटा Y2। अब देखो, यहां देखो आपको क्या करना, X1 X2 को पहले अपन रियल लिखने का जो पैटर्न है हमेशा, अब यहां आपने क्या लिखा, फ्री ऑफ आयोटा मतलब रियल, और दिस इज इमेजनरी पार्ट, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करा तो भी मिला कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों, ये रियल नंबर, तो ये पूरा रियल नंबर मिल गया, आयोटा का कोफिशिएंट ये क्या, इमेजिनरी पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया। तो इसको ओवरऑल मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना है, मुझे इसका रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो देखो, एक तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ गया X1 और ये X2, कौन सा पार्ट है, फ्री ऑफ आयोटा है। दूसरा, इसको और इसको, मतलब यहां से सेकंड और यहां से सेकंड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर Y1 Y2, सॉरी नहीं, प्लस का बनेगा, प्लस का आयोटा स्क्वायर मिलेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ये आपका हो गया Y1 और Y2, जो यहाँ प्लस आयोटा स्क्वायर था, आयोटा की क्या निकली, वैल्यू निकली। अब देखो, फिर आयोटा के साथ वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आयोटा X1 Y2 मिलेगा, ऑब्वियसली देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे करोगे तो आयोटा क्या मिलेगा, X2, और यहाँ क्या मिलेगा, Y1 मिलेगा। तो बस ये हो जाएगा आपका फिक्स, Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, दोनों का सम करोगे तो पहले क्या, X1 X2 माइनस Y1 Y2 आयोटा बाहर आ जाएगा, और दोनों का X1 Y2 प्लस X2 Y1 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये भी मिला ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये सारे क्या है, रियल नंबर है, इसको कॉम्प्लेक्स बोला है ना, इसका मतलब ये है, ये सारे क्या है, ये सारे रियल नंबर है, और रियल को देखो दो मल्टीप्लाई करा, रियल नंबर हो गया, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर सब्सट्रैक्ट करा, रियल नंबर हो गया। अब बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, Z1 अपॉन Z2। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर X1 आयोटा Y1 हो गया, दूसरा ले लिया X2 प्लस आयोटा Y2। अब आपको पता है ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर बना भाई, यहाँ तो नीचे भी आयोटा और ऊपर भी आयोटा, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करना है, अपन को डिनोट करना है एकदम फ्री ऑफ आयोटा वाली टर्म, फिर आयोटा के कॉफिशियंट में। तो फिर अब देखो, जब भी नीचे वाला कुछ भी हटाना हो ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस आयोटा Y2 से, और ये X2 माइनस आयोटा Y2 से। अब यहां पे देखो, इसको सॉल्व करोगे नीचे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी,
समझ गए ना, a प्लस बी ए माइनस बी क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर मतलब बी ये है इस पूरे का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो आपका क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। भाई यही मिलेगा ना आपको, एक्स टू स्क्वायर माइनस आयोटा वाई टू स्क्वायर। तो देखो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स टू स्क्वायर और ये क्या मिल जाएगा, वाई टू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो नीचे आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब ऊपर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और क्या लिखना है, फ्री ऑफ आयोटा वाली टर्म और विद आयोटा वाली टर्म। तो पहले x1 x2 को करो, तो x1 और ये x2 आ गया फ्री ऑफ आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इस बार माइनस यहाँ है ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर y1 y2, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये y1 और y2 हो जाएगा। इस पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है एक्स टू स्क्वायर प्लस क्या है वाई टू स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आयोटा के मल्टीप्लाई में क्या है, देखो आयोटा के मल्टीप्लाई में ये आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से वाई वन एक्स टू मिलेगा, वाई वन एक्स टू मिलेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का देखो नेगेटिव है तो आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा एक्स वन, और ये क्या मिल जाएगा, एक सेकंड रुकना, वाई टू, और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर। कोई इतना भी तुम्हें थोड़ा सा समझना है कि मल्टीप्लाई करते कैसे, बाकी ऐसा याद रखने का हार्ड एंड फास्ट है नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन में भी क्विकली इनको सॉल्व कर पाओगे। तो देखो अब इस पे ले लेते हैं क्वेश्चन, इफ जेड वन आपका दे दिया वन प्लस टू आयोटा, जेड टू आपका ले लिया टू माइनस आयोटा, तो आपको क्या करना है, फाइंड पहला जेड वन प्लस जेड टू, दूसरा जेड वन माइनस जेड टू, तीसरा जेड वन डॉट जेड टू, चौथा जेड वन अपॉन जेड टू, ये चारों आपको निकालने हैं। अब देखो आपको पता है पहले में रियल पार्ट किससे ऐड होता है, रियल पार्ट से ऐड होता है, तो फर्स्ट आपने करा तो रियल पार्ट को रियल से, वन और टू क्या हो गया आपका थ्री हो गया, सीधा ही लिख देता हूँ थ्री हो गया, फिर टू को ऐड करना है किससे, माइनस वन से, तो टू प्लस माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिला, ये आपका मिलेगा आयोटा मिल जाएगा, एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सेकेंड वाला पार्ट जेड वन से सब्सट्रैक्ट करना है आपको जेड टू को, तो रियल पार्ट से रियल सब्सट्रैक्ट करो, तो वन माइनस टू तो क्या मिलेगा, नेगेटिव का वन, फिर इमेजनरी से इमेजनरी सब्सट्रैक्ट करना है, टू से सब्सट्रैक्ट करो क्या, माइनस का वन, तो टू ध्यान से सुनना, टू माइनस माइनस वन, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या मिल गया, प्लस थ्री आयोटा। कहीं इनका इतना कोई लोड नहीं है, तो बस बताने के लिए एक रियल रियल से होगा। थर्ड, यदि आपको मल्टीप्लाई करना है जेड वन जेड टू, लिख दो वन प्लस टू आयोटा टू माइनस आयोटा। अब देखो जो यहाँ सीखा एकदम वैसे ही करो, आयोटा से फ्री टर्म कौन सी मिलेगी, वन को टू से करा टू आया, फिर यहाँ टू आयोटा, और देखो नेगेटिव का साइन ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का टू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है बताओ, पॉजिटिव का वन, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, टू मिल जाएगा। एग्जैक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कराना, तो माइनस का टू आयोटा स्क्वायर बना, और आयोटा स्क्वायर क्या मिला, नेगेटिव वन, तो पॉजिटिव हो गया। अब निकालो फिर आयोटा के साथ वाली टर्म, तो आयोटा के साथ वाली टर्म पहले क्या होगा, इसको इससे करा फोर आ गया, दूसरा इसको इससे करा क्या मिला, माइनस आयोटा, आयोटा कॉमन ले लोगे तो माइनस का वन, तो यहाँ फोर प्लस थ्री आयोटा, दैट्स योर आंसर। एग्जैक्टली तो यहाँ जो सीखा बस यहाँ अप्लाई करना है, फोर यहाँ जेड वन अपॉन जेड टू निकालना है, तो ये क्या लिखा हुआ है, जेड वन वन प्लस टू आयोटा है, डिनोमिनेटर में क्या दे दिया, टू माइनस आयोटा दिया हुआ, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल आपको निकालना है, तो एक तो जो यहाँ साइन है उसका ऑपोजिट साइन, तो टू प्लस आयोटा से ऐड करा और टू प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ फोर हो जाएगा और यहाँ माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ क्या मिल जाएगा,
वन अपॉन फाइव मिल जाएगा मुझे, और ऊपर क्या मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा टू रहा, फिर इसको इससे करा तो प्लस टू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या मिला, यहाँ जीरो मिल जाएगा, रियल पार्ट क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। टू को टू से करा टू रहा, फिर यहाँ पे प्लस टू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो गया, तो क्या मिल गया, जीरो मिल गया। इमेजनरी पार्ट क्या मिलेगा यहाँ से, इमेजनरी पार्ट आयोटा बाहर कॉमन लोग है ना, तो एक तो यहाँ फोर मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, वन मिलेगा। यहाँ से क्या हो गया, फिर आपको आयोटा जो मिल गया। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दिस, इट्स सो इजी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा है, तो सीधा ही आप देखो डिवाइड में रैशनलाइज लेना रहता है, यहाँ जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन, परिमेयकरण जिसको बोलता है, बाकी तो सारी चीजें क्लियर ही है। अब बात करते हैं, देखो मैंने स्टार्टिंग से ये चीज आपको समझाई है कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर भी अपन एक कॉम्प्लेक्स प्लेन किसको बोलते हैं वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसका ये जो देखो अपन एक कार्तीय रूप होता है जिसको इंग्लिश में कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, जो एक्स वाई वाली सारी फॉर्म होती है उसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। पोलर फॉर्म होती है आर थीटा वाली, मैं बताऊंगा क्या होता है आर, क्या होता है थीटा, बट आपको आइडिया भी होगा, तो ये चीजें डिस्कस करेंगे। अब अपन को पढ़ना क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म पढ़ना है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल भी पढ़ लेंगे, बट उसके लिए आपको बीच बीच में मैंने बता दिया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब कार्टेशियन तो आपको बता दिया, फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्लेन का टॉपिक डाल के आपको ब्रीफ रिवाइज भी करवा दूंगा और उसके साथ अपन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा पोलर फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन किसको बोलते हैं, अब देखो यहां पे कॉम्प्लेक्स प्लेन, अ प्लेन इज सेड टू बी अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इफ इट हैज वन टू वन करेस्पोंडेंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर। एक जो प्लेन होता है उसको मतलब प्लेन होता है, निर्देशांक तो कोऑर्डिनेट्स हो गए, तल, प्लेन को हिंदी में तल बोलते हैं, एक तल होता है उसको सम्मिश्र तल बोलते हैं, उस तल में और सम्मिश्र संख्याओं के बीच में वन वन करेस्पोंडेंस हो, मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो उस प्लेन में दिखा पाए और उस प्लेन का हर एक पॉइंट क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए। तो जैसे नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ना भाई, नंबर लाइन अपन बचपन में पढ़ते आए हैं कि हर एक नंबर, हर एक रियल नंबर इस लाइन पे एक पॉइंट हो और इस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट क्या हो, रियल नंबर हो। जैसे यहाँ थ्री है बस उसमें एक फोर है तो फोर इसके आगे होगा, ये नंबर लाइन हो गई। वैसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, मैं लिख दूंगा डेफिनेशन, देखो ये आपने समझ ली x एक्सिस, z इक्वल्स जो आपने लिया x प्लस आयोटा वन, तो ये क्या है, ये रियल पार्ट है z, दैट इज इमेजनरी पार्ट है z का, ये आपकी क्या है, ये x एक्सिस मान ली अपन ने, तो मतलब ये क्या z का रियल पार्ट हो गया, दैट इज लेट्स से इट इज y एक्सिस, और आपने बोल दिया क्या है, इमेजनरी पार्ट है किसका, z। यदि यहाँ कोई पॉइंट p है वो x कोमा y है, तो ये आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, वाई हो गई, और ये आपका यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई दैट इज व्हाट, एक्स हो गई, यहां से थीटा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड हो गया, और ये आपका हो गया ओ, ले लिया ओरिजन, यहां से यहां तक जो ओपी है वो क्या डिस्टेंस है, ये मॉड्यूलर जेड लिख देते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन हैज वन वन करेस्पोंडेंस, वन वन करेस्पोंडेंस का क्या मतलब है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई आपने समझ लिया भाई थ्री कोमा टू है तो x की डिस्टेंस थ्री ले ली, y यहां पे दिखा दिया, माइनस टू कोमा एक्स नेगेटिव है इधर आ गए, माइनस टू कोमा थ्री तो यहाँ कहीं दिखा दिया, दोनों नेगेटिव है तो यहाँ आ गए, समझ गए ना भाई मेरी बात, दोनों नेगेटिव नहीं सॉरी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो यहाँ डिनोट कर दिया। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, और इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आया वाला हर एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है तो समझ लिया एक्स क्या है, वन है, वाई क्या ले लिया यहाँ से थ्री, वाई ले लिया फोर, तो वन प्लस आयोटा फोर हो गया, तो इस प्लेन पे आने वाला हर एक पॉइंट के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में डिनोट कर सकते हैं, ये मतलब है इसका वन टू वन करेस्पोंडेंस का। अब देखो बात है, नेक्स्ट टॉपिक आता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होता है ध्रुवीय रूप जिसको हिंदी में बोलते हैं,
कार्तीय रूप कौन सा होता है, ये एक्स वाई वाला होता है। चलो इसको भी छोटा सा टॉपिक लेकर बता देता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी एन, सम्मिश्र संख्या का, सम्मिश्र संख्या का कार्तीय रूप। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जेड प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई वाला है ना, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है क्योंकि एक्स वाई में है। अब दूसरा आपने एक पढ़ा था कल क्रमिक युग्म, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, तो वो भी फॉर्म होती है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्रमिक युग्म, सम्मिश्र संख्या का क्या, क्रमिक युग्म। तो यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये है ना, तो उसको ऑर्डर्ड पेयर में आप x, y से डिनोट करेंगे या r स्क्वायर से या r, r से, ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म हो गई। अब थर्ड है पोलर फॉर्म, किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ध्रुवीय रूप। देखो ध्रुवीय रूप क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया यहां से, ये है आपका x प्लस आयोटा, इसको कन्वर्ट करना है r कॉमा थीटा से, थीटा में। यहां पे ध्यान से सुनना, r क्या होता है, जैसे ये कोई पॉइंट है x कॉमा y, मतलब कहीं ना कहीं प्लेन में पॉइंट होगा, उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है वो आपका होता है r, ठीक है। जैसे यहां से इस केस में आपका r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपको निकाल सकते हो r क्या होता है, जैसे ये x y में देगा उसको कन्वर्ट करके अपन r निकाल देंगे। अब r और थीटा क्या होता है, थीटा अब समझ लिया, ये आपने ले लिया r, समझ गया ना, OP जो डिस्टेंस हो गई क्या होगी, r होगी। अब अपन को क्या, x और y को किस में कन्वर्ट करना है, r और थीटा में। तो अपन ने यहां से cos थीटा की वैल्यू बता दो, तो पढ़ आए हो क्लास 12 में, यदि इफ आई से दिस इज cos थीटा तो क्या होगा बताओ, cos का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका आधार क्या हो गया, x हो गया और कर्ण क्या हो गया, r हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब भी x कोऑर्डिनेट है मैं सीधा कंपोनेंट लूंगा x equals to r cos theta, तो यहां से आपकी x की वैल्यू क्या हो गई, r cos theta हो गई, ठीक है। और सेम है यदि मैंने यहां से बात करी किसकी, साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है बताओ, y अपॉन r हो गया, तो यहां से भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो ये y अपॉन क्या होगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज, तो यहां से sin थीटा क्या हो गया, y इक्वल्स टू r क्या हो गया, sin थीटा हो गया। तो यहां से z में पुट कर दी, x की जगह क्या लिखा, r cos थीटा लिख दिया और y की जगह क्या लिखा, r sin थीटा लिख दिया। तो यहां से z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा iota sin थीटा। ये आपकी जो फॉर्म होती है, ये आपकी होती है पोलर फॉर्म। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है इसमें आएगा कन्वर्ट कर दो पोलर फॉर्म में, तो आपको दो चीजें, एक तो r निकालनी होगी, वो निकाल देंगे यहाँ x और y की जो वैल्यू होगी वो r लिखने के बाद, और दूसरा क्या होगा, थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा कैसे, ये थीटा वही है, कौन सा, कोणांक वाला, टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा निकालेंगे, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा क्या, बेस, तो यहाँ क्या हो गया, y अपॉन x हो गया, तो यहां से थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स y अपॉन x, और r आपका क्या होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक तो आप सीधा ही देख सकते हो, जो हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है, वो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर होता है, और दूसरा देखो आपके पास x इक्वल टू r cos थीटा है और y इक्वल टू क्या है, r sin थीटा है, दोनों का स्क्वायर करो, y स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐड कर दो, इधर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उधर r स्क्वायर कॉमन लेने से क्या बनेगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कैसे भी प्रूफ कर सकते हो सेम, तो ये आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म, क्योंकि कंप्लीटली यू कैन सी दैट इट इज इन r एंड थीटा। r क्या होता है, जो पोल होता है, जो ध्रुव होता है, उससे उस बिंदु की दूरी होगी वो r, r का फॉर्मूला ये रहा। थीटा क्या होता है, जो आपका लाइन होती है ओपी, मतलब ध्रुव से उस बिंदु की रेखा एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है, जो एंगल फॉर्म करती है एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या होता है, थीटा होता है।
अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, यार उसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा, ये होता है e की पावर आयोटा थीटा। मैं बता देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर आपको वो अलग से मैं बता दूंगा उस फॉर्मूले को, वो फॉर्मूला का थोड़ा सा डेरिवेशन करवा दूंगा। यहाँ हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म सारे ग्राफ पढ़ेंगे, कर्व्स पढ़ेंगे, और इनफैक्ट कॉस साइन इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब ट्रिगो पढ़ेंगे। अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी ये, इसका फॉर्मूला होता है z इक्वल्स टू r e की पावर आयोटा थीटा, ये आपकी क्या हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका थोड़ा सा तो मैं आपको बता देता हूं, इनका एक्सपेंशन होता है जैसे cos थीटा होता है ना, तो उसको थीटा में एक्सप्रेस करते हैं, साइन थीटा का भी होता है, ये सारे ट्रिगों में आएंगे अपन प्रूव करेंगे। जो cos थीटा होता है उसको आप लिखते हो थीटा में होता है वन माइनस थीटा, यहाँ एक्स भी होता है कई बुक्स में लिखा हुआ रहता है, प्लस थीटा की पावर फोर फैक्टोरियल फोर, थीटा की पावर सिक्स फैक्टोरियल, देखो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलता रहता है ये कॉस का, वन माइनस थीटा स्क्वायर फिर पावर फोर फैक्टोरियल ऐसे। और जो साइन थीटा होता है वो थीटा से स्टार्ट होता है, थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री का मतलब थ्री टू वन, और ये क्या हो गया फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल, और ये वापस माइनस प्लस माइनस सेवन अपॉन फैक्टोरियल, ये चलता रहेगा। अब देखो e की पावर x होता है, या फिर चलो थीटा लेंगे, ये होता है वन प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, यहाँ समझ लो फैक्टोरियल वन था, थीटा क्यूब और फैक्टोरियल थ्री, थीटा फोर फैक्टोरियल फोर, इट जस्ट वर्क लाइक दिस। अब यहाँ से ध्यान से देखो, यदि आपने थीटा की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ e की पावर आयोटा थीटा लिखा हुआ है, तो अपन ये तीनों एक्सपेंशन समझ लो आपको याद है, जो बाद में करेंगे अपन ट्रिगो, बट ये आपने समझ लिया क्या, आपको ये चारों तीनों एक्सपेंशन क्या याद है। तो थीटा की जगह में थीटा का एक्सपेंशन नहीं निकाल के ई की पावर थीटा का नहीं निकाल के ई की पावर आयोटा थीटा का निकालूंगा, तो कुछ नहीं है, वेयर एवर आई विल सी थीटा आई विल रिप्लेस इट बाय आयोटा थीटा, मतलब जहां जहां थीटा है मुझे क्या लिखना है आयोटा थीटा लिखना है, तो लिख देते हैं वन प्लस थीटा की जगह आयोटा थीटा फैक्टोरियल वन, फिर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है आयोटा स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा नेगेटिव वन लिख दूं, तो ये लिख दिया, या चलो एक बार के लिए ये थीटा और ये आयोटा का स्क्वायर फैक्टोरियल क्या हो गया टू हो गया। उसके बाद यहाँ क्या करा, यहाँ थीटा आयोटा का क्यूब हो गया और यहाँ क्या हो गया फैक्टोरियल थ्री, सेम नोट करूंगा, अच्छा यहाँ इससे करा वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इससे ही कर देते, और फिर क्या हो जाएगा थीटा आयोटा की पावर क्या हो गई फोर हो गई फैक्टोरियल फोर, फिर थीटा आयोटा की पावर फाइव हो गया और फैक्टोरियल फाइव हो गया, चलता ही गया ठीक है एक्सपोनेंट ये चलता ही चलेगा। अब देखो आपको पता है जो आयोटा स्क्वायर है वो क्या होता है माइनस का वन होता है, यू नो दिस, और जो आयोटा क्यूब होता है दैट इज माइनस आयोटा, ऑलरेडी करवा चुके हैं। आयोटा की पावर फोर है वो क्या होता है वो वन होता है, आयोटा की पावर फाइव क्या होती है आयोटा होती है। तो देखो ई की पावर आयोटा थीटा, यहाँ पहले फ्री ऑफ आयोटा टर्म बता दो, तो ये क्या हो गया वन, यहाँ क्या हो गया भाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये थीटा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल टू, और फिर आयोटा की पावर फोर में भी आयोटा नहीं आएगा, पर ये पॉजिटिव होगा क्यों आयोटा की पावर फोर है, थीटा की पावर फोर और ये क्या हो गया फैक्टोरियल फोर, चलता जाएगा, क्यों चलता जाएगा, फाइव के बाद आएगा थीटा की पावर सिक्स होगी, और आयोटा की पावर सिक्स क्या होती है वापस माइनस का वन होती है। अब वापस लेते हैं आयोटा के प्रोडक्ट में, यहाँ से समझ ले आपने क्या करा आयोटा कॉमन ले लिया यहाँ से, तो पहली टर्म क्या हो गई थीटा हो गई, नीचे फैक्टोरियल वन है उसकी वैल्यू वन ही होती है, दूसरी टर्म आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा होता है, आयोटा बाहर ले लिया माइनस को यहीं छोड़ दिया फैक्टोरियल थ्री, अब यहाँ क्या बचा है यहाँ आयोटा की पावर फाइव बची है, तो उसको लिख दो आयोटा की पावर फोर डॉट आयोटा, तो आयोटा की पावर फाइव क्या होती है आयोटा ही होती है, और आयोटा आपने बाहर कॉमन ले लिया तो ये क्या मिल गया ये थीटा की पावर फाइव मिल गई, और ये क्या मिल गया फैक्टोरियल फाइव, ये इधर चलता ही जाएगा। अब इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा थीटा, इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो कॉस थीटा रिप्लेस कर सकते हो, और इसकी जगह आयोटा के पास क्या रिप्लेस कर सकते हो साइन थीटा कर सकते हो, तो ये आपका प्रूफ होता है ई की पावर आयोटा थीटा की जगह ये लिख सकते हो ठीक है। ये कौन सी फॉर्म नॉर्मल कार्टेशियन ऑर्डर्ड बैक कर चुके हैं दोनों, पोलर फॉर्म क्या याद रखना जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा,
और ये कौन सी फॉर्म होगी एक्सपोनेंशियल, जो ई में कन्वर्ट करके आती है, इसका प्रूफ ये रहा। तो फिर अब लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड आउट पोलर फॉर्म ऑफ, पोलर फॉर्म और कार्टेशियन, या फिर लिख देते हैं ऑल द फॉर्म्स, ये मैं लिख दूंगा, पोलर फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर ओपी फॉर्म एंड ई एफ, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, सारी निकालनी। पहला ले लिया वन प्लस रूट थ्री आयोटा का ले लिया, ठीक है, सेकंड ले लिया वन, एक सेकंड आपका एंगल आराम से निकल जाए तो रूट थ्री प्लस आयोटा हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स निकल जाएगा, इन दोनों के निकाल देने, एक बार एक मैं कर दूंगा एक आपसे करवा दोगे, सिमिलर ही है, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको क्या करना है, पहले निकालनी है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को मैंने बता रखा है क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होती है बताओ, फर्स्ट का, फर्स्ट की सारे मैं कर रहा हूँ पोलर फॉर्म, पी एम आर निकालना होता है, आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एक्स क्या हो गया आपका वन और ये क्या हो जाएगा फोर, तो क्या मिल जाएगा रूट फोर, तो क्या मिल गया टू मिल। ये क्या है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, और यहाँ पे एंगल निकालते हैं थीटा, क्या वहां पे लिखना अपन को थीटा चाहिए, और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। एक बार थीटा रिवाइज कर लेना, मैं सिर्फ ट्रिगो में और अच्छे से पढ़ लेंगे, बट एटलीस्ट आपको थोड़े बहुत तो आने ही चाहिए पहले से, भाई क्लास टेंथ की चीजें है ये। वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा रूट थ्री अपॉन क्या हो गया वन, तो यहाँ पे होता है ये इधर जाएगा ना, तो थीटा जब इसका मतलब है टेन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री, तो जब थीटा क्या होता है सिक्सटी होता है, तो तब आपका क्या होता है, समझ गए ना, ये वैल्यू होती है थीटा इक्वल टू 60 पे, तो आपका थीटा 60 मिल गया। तो पोलर फॉर्म लिख दो फिर जेड की, जेड इक्वल टू क्या हो गया बाहर लिखा आर, और कॉस थीटा क्या होगा जल्दी से बता दो, कॉस, कॉस के अंदर थीटा क्या लिखा, कॉस 60 लिखा, वेरी गुड, ये कॉस 60 डिग्री हो गया, और ये क्या मिला आयोटा साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री को पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। अब बात रही किसकी, ये पोलर फॉर्म होगी सेकंड, कौन सी फॉर्म ओपी, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, कुछ नहीं है एक्स कोमा वाई लिखना है वन कोमा रूट थ्री, एग्जैक्टली। फिर आपकी थर्ड हो गई कौन सी, कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आर आपको ऑलरेडी पता है क्या है टू है, ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू मतलब पाई बाय थ्री, तो ये आपकी हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब से क्या है छोटी है। आज का ज्ञान यहीं पर समाप्त, बाकी आगे कल कंटिन्यू।